देखिए U6 कोड का U6 कोड का ये सवाल आपका है। सवाल नंबर शुरू है 66 से। बोला जा रहा है कि एक तेल के भाव में 25% की वृद्धि हो गई तो उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो इस तरह के सवाल को करना है कमी या वृद्धि गुना 100। बस कमी करेगा तो 100 माइनस कर देना, वृद्धि करेगा तो 100 प्लस कर देना। यह सूत्र पर अल्टरनेट वाला सवाल का आंसर आता है। तो 25 गुना 100 बस वृद्धि किया 125 करते हैं। 25 × 125 ये 20 बस 20% की एक कमी आंसर हो जाएगी। कोई भी सवाल अल्टरनेट वाला रहे बस इस पर डाल देंगे। 67 बोला जा रहा है कि 250 आदमियों के लिए M1 गुना D1 का यह सवाल है। M1 गुना D1 इक्वल टू M2 गुना D2। 250 आदमियाँ हैं, 250 आदमी डाल दीजिए। 40 दिन का भोजन था, 40 लिख दिए। उसके बाद बोला कि 10-20 दिनों के बाद, इसका मतलब 250 आदमी 20 दिन तक खाना खाता है। 50 आदमी कहीं चले जाए, 20 में प्लस करना है, तो 50 आदमी कहीं चले गया तो बचा कितना 200। शेष भोजन सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी, एक्स डाल दिए। इसको इस तरफ लाएंगे तो 250 हो जाएगा, 40 में 20 गया 20 हो जाएगा, ये 200x हो गया। इसको काटेंगे 10 बार में तो x बराबर कितना आया 25। बस ये आंसर हो गया। अगला सवाल आएंगे 67। नंबर सवाल है ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5, सी अनुपात डी बराबर 6:7। तो ए अनुपात डी चाहिए, तो फर्स्ट और लास्ट जब भी पूछेगा बस इसको बटा करके गुणा कर दिए, 2/3, 4/5, 6/7। बस इसको 2 बार में काटेंगे, 2×4 = 8, 8/35। बस ये आपका आंसर हो गया। फर्स्ट और लास्ट में सिर्फ बटा करके गुणा कर देंगे, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। अगला सवाल है 37.5% का सामान्य भिन्न क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, 37.5 1/2% इसको 75/2 लिखेंगे। परसेंट का मतलब 100 होता है, 25 × 75 = 100, 3/8। बस ये आंसर हो जाएगा। 69 सवाल है कि एक्स का 10% का मतलब होना 10% वाई के, वह एक्स का 10% वाई के 20% के बराबर है। बराबर कर दिए, ये दोनों कैंसिल आ गए, 2 बार में हम काट दिए। इसको हल करते हैं, एक्स बटा वाई निकालते हैं तो 2/1 होगा, तो एक्स अनुपात वाई बटा आ गया, बस अंतर हो गया 2:1। बस ये आंसर तैयार है। अगला सवाल है 70। आज का सवाल लीजिए, 70 सवाल बोलता है किसी वर्गाकार मैदान के लंबाई 60 मीटर, यह वर्ग है सब 60-60 का है। बोलता है कि इसके चारों तरफ हमको लगवाना है तार, तो 3 रुपया प्रति मीटर की दर से खर्च कितना पड़ेगा। तो चारों तरफ मतलब होता है परिमाप, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, और जो रेट आपका होगा, रेट 3 रुपया है तो 3 से गुना कर दो, बस 6×24 = 72, 720। बस ये आंसर हो गया। 71 1 सेकंड 1 मिनट का लगभग कितना परसेंट है। तो याद रखना है कि का वाला को 1 सेकंड 1 मिनट का कितना परसेंट है, 1 मिनट का, तो जो का वाला रहेगा तो उसको नीचे डाल दो,
या मिनट, एक सेकंड बचा परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, दोनों एक जात होना चाहिए, ये सेकंड है ये मिनट है, तो सेकंड बनाने के लिए 60 से गुणा करते हैं, बस 0 0 खत्म हो गया, इसको काटेंगे 5/6 आ गया, तो 0 पॉइंट ये 50 हो जाएगा, 8 6 48 0.8 के करीब आपका जो भी हो जाएगा आंसर हो जाएगा। काट देंगे इसको, जो भी आ जाएगा आंसर आपका तैयार हो जाएगा। अगला सवाल है कि 22 व्यक्ति किसी काम को 18 दिनों में पूरा करते हैं, M1 × D1 = M2 × D2। 22 आदमी किसी काम को 18 दिन में, 22 × 18 तो पूछता है 36 आदमी इसको कितने दिन में पूरा करेंगे, कितना के लिए x, इसको दो बार में काटते हैं, इसको 11 बार में कट जाएगा, तो x बराबर कितना होगा, 11, बस ये आंसर हो गया। 73, किसी संख्या का 3/5, संख्या x ले लो 3/5, संख्या के 50% 50% 50/100 से 45 अधिक है, ये 45 अधिक है, तो जो छोटा होगा उसमें जोड़ दो, बीच में बराबर कर दो, इसको दो बार में काट दिए, इसको 3x/5 x/2 + 45 एलसीएम 10 होगा, या 3x 3 × 6 5x, तो x/10 = 45, तो x = 450, बस यही संख्या आपकी आंसर होगी। अगला ये आगे नंबर सवाल देखिए, अगला सवाल है कि कागज कटिंग वाला है, किसी संख्या का 3/5, हाँ आगे कागज कटिंग है, देख लीजिए ये कागज ऐसे है, इसको ऐसे मोड़ा तो बन गया ऐसे, इधर वाला छूट गया, फिर इसको ऊपर कर दिया, ऊपर कर दिया और यहां पर काट दिया, जैसे मुड़ा है ओसे खोलो, जैसे लास्ट हुआ ये दर्पण हो गया, तो जहां पर यहां से जितना ऊपर बना तो ऐसे नीचे खोल ले तो नीचे उतना फिगर फिर बनेगा, बन गया, ऐसे मुड़ा था फिर ऐसे खुलेगा, तो ऐसे जैसे खुलेगा तो जैसे खुलेगा तो उस तरफ भी इसी तरह का फिगर बनेगा, जितना दूर में ये कटा है तो ये दर्पण हो गया तो उतना दूर में ये फिगर आएगा, बस यही आंसर होगा, इसी तरह जिसमें बना हुआ है आंसर होगा। अगला बोला जा रहा है द्वितीय अर्धांश में कितने अक्षरों की संख्या होती है, द्वितीय अर्धांश हो या प्रथम अर्धांश हो उसमें अक्षरों की संख्या 13 होती है, तो अक्षरों की संख्या 13 कर दो आंसर तैयार हो गया। प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को मिलाकर एक वर्णमाला बनती है जिसमें 26 लेटर होते हैं, तो प्रथम अर्धांश नहीं द्वितीय अर्धांश पूछता है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 13। 76, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे जिनमें से एक ने 40% मत को प्राप्त किए, एक ने 40 तो दूसरा ऑटोमेटिक 60 होगा, 100 में घटा दीजिए आपका आंसर तैयार होगा। 77, 10 वस्तुओं का लागत मूल 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 10 वस्तु हम बेचने के लिए गए हैं लेकिन उतना पैसा 8 वस्तुओं में आ गया, कितना फायदा हो गया, 2, तो 2 × 100 लाभ गुना 100 / विक्रय मूल्य, तो कितना बेच के आए, 8, इसको 4 बार में काटेंगे 25% का लाभ, यही आंसर हो गया। अगला सवाल है 78, वर्गमूल चाहिए 0.0049, कुछ नहीं करना, ये किसका है, 7, जितना अंक अंदर में होगा उसका हाफ बाहर में पॉइंट बैठेगा, तो 4 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद बैठेगा, 1 अंक खुद है 1 अंक डाल दो, बस आंसर तैयार हो जाइए, यही आंसर हो गया। याद रखना है 4 अंक है तो 2 अंक होगा, 8 अंक है तो 4 अंक होगा। अगला सवाल 79, नंबर सवाल बोलता है कि 50 किलोमीटर की यात्रा करने पर मैंने पाया, 50 किलोमीटर या यात्रा हो गया तो मैंने पाया कि 3/5 भाग शेष रह गया है, इतना भाग और बचा है हमको चलने के लिए, इतना तो चल दिए हैं,
तो इतना जो चले हैं इसका जो शेष होगा वही हम चले हैं, तो इसका शेष क्या होता है 2/5 होता है, ये दोनों का घटाओ 2/5 होता है, बस इसमें लगा दो ना, 2/5 आया, 2/5 में 50 हो गया, इसको काटेंगे 25 बार में तो एक हो गया 125, बस यही तो आंसर है, यही आपका आंसर तैयार, सिर्फ एक में निकाल दो आपका आंसर तैयार हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक माली 7225 पौधे इस प्रकार रोपते हैं कि पंक्तियों की संख्या पौधों की संख्या के बराबर हो, तो इस तरह के सवाल में कुछ भी नहीं करना है, बस जिसका वर्ग होगा ये 7225 वही आपका आंसर होगा। तो 7225 हम देखते हैं कि 7225 ये 85 का स्क्वायर है, 85 का स्क्वायर करेंगे तो 7225 आएगा, बस यही आपका आंसर 85 हो जाएगा। अब देखिए 81, किस साधारण ब्याज की दर से 400 रुपया का धन 4 वर्षों में 480 रुपया हो जाएगा, 400 रुपया हम किसी को दिए हैं 480 रुपया लौटा रहा है, तो ब्याज कितने दे रहे हैं हमको, तो ब्याज हमको दे रहा है यहाँ पे 80 रुपया, तो ब्याज बराबर मूलधन कितना है 400, समय कितना है 4, दर हमको ज्ञात करना है, दर लिख दिए, बटा 100 हो गया, 0 आपका खत्म हो गया, 16×5=80 हो गया, तो दर बराबर 5%, बस यही आपका आंसर हो गया। अब 83 नंबर बोला जा रहा है, यदि किसी घड़ी में 82 यदि किसी घड़ी में 10:50 हो रहे हो, तो 10:50 पर सोचिए कि दोनों काटा क्या एक के लाइन पर होगा, लगभग एक लाइन पर होगा, तो याद रखना कि जिस सवाल में दोनों काटा एक ही लाइन पर होगा तो उस सवाल में सिर्फ मिनट का हफ आप कर दोगे, आंसर आपका तैयार होगा, तो 50 का आधा कर दो, 50 का आधा 25 होता है, बस यही डिग्री आंसर हो गया। जिस सवाल में दोनों काटा एक डिजिट पर होगा तो उस सवाल में सिर्फ मिनट का हाफ करना है, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। अगला सवाल 83 बोलता है कि घंटे वाली एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो घंटा वाला एक मिनट में याद रखेंगे 1/2 डिग्री बनाती है, मिनट वाला एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, ये दोनों चीज को याद रखना है। 84 नंबर सवाल बोला जा रहा है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो विषम संख्या का औसत सिर्फ n होता है, तो n होता है तो 10 बोला तो सिर्फ 10 लिख दो, यही आंसर हो गया, n का मान 10 हो जाएगा। अगला सवाल है कि 5 सदस्यों वाले किसी परिवार की औसत उम्र कुछ था, 5 सदस्य औसत उम्र कुछ था, उनमें से एक सदस्य 40 वर्ष के स्थान पर दूसरा सदस्य को लाते हैं तो 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो 2 वर्ष की वृद्धि हो या 3 वर्ष की वृद्धि हो या 4 वर्ष की वृद्धि हो या 5 वर्ष की वृद्धि हो, तो सिर्फ संख्या में गुना कर देना, कर दिए वृद्धि, वृद्धि का मतलब होता है प्लस, लेकिन याद रखना कि जब हमको उल्टा पूछे, पुराना वाला पूछे तो उल्टा काम करेंगे, नया वाला पूछा तब वृद्धि में प्लस कमी में माइनस, हमको पुराना वाला पूछा जा रहा है सवाल में, तो पुराना वाला के लिए यहाँ वृद्धि है तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा, आंसर हो गया 30। अब आइए घन कटिंग 86 86 नंबर सवाल बोलता है कि 64 घनों में काटा गया है, 64 घन बनाया गया, तो 64 किसका क्यूब है, 64 4 का इसका मतलब 4 बार में इसको काटना है, एक लाइन सिर्फ खींचना है, एक लाइन बनाना है, इसको 4 पार्ट में कट गया तो 64 घन बन जाएंगे, तो बस इसी को हमको देख के हमको बनाना है। तो पहला नंबर सवाल है 86, तो कितने बराबर भागों में काटा गया, तो 4 भाग में काटा गया, तो पहला का आंसर 4 होगा। 87 ऐसे कितने घनों की संख्या होगी जिनके तीनों फलक पर लाल रंग होंगे, तो तीनों फलक पर लाल रंग ये हर हमेशा 8 ही होता है, तीनों फलक जैसे पूछेगा वो 8 ही होगा, चाहे 10 बार में काटे या 20 बार काटे या 50 बार काटे उससे कोई मतलब नहीं होता है, तीनों फलक पूछेगा तो उसका आंसर 8 ही होगा, लिख दिया। अगला 88 ऐसे कितने घन की संख्या होंगी जिसके शीर्ष पर शीर्ष 2 फलक रंगे होंगे, तो 2 फलक रंगे होंगे तो ये 4 भाग में काटेंगे, किनारे वाले को सिर्फ छोड़ देना, ध्यान से सुनेंगे,
किनारे वाले को छोड़ देंगे तो इसका दो फलक रंगा हुआ रहता है। तो ये का गो घन है, दो गो बॉक्स है, लेकिन इस तरह का 12 गो होता है भुजा, घन में 12 भुजा होता है, तो एक भुजा पर इस तरह का 12 गो बनता है, एक भुजा पर दो गो होता है, तो 12 भुजा पर 12 गुना 2 बराबर 24, यही आंसर हो जाए। कोई सूत्र याद नहीं करना है। 89 ये हो गया कितने, दो फलक, और ये कितना हो गया, तीनों फलक। अगला 89 सवाल बोलता है कि ऐसे कितने फलक हैं जिनके शीर्ष पर एक रंग होते हैं। दो वाला तो आप समझ गए कि हर हमेशा जितना ये बीच में होगा दोनों किनारे को छोड़ के 12 से गुना कर देना, दो फलक वाला निकल जाएगा। तो एक फलक वाला करना है, ये जो आया है दो फलक वाला, बस इसका स्क्वायर कर दो। तो दो के स्क्वायर कितना हुआ, 4, पहले 4 लिख दिए। याद रखना है कि अगर 3 रहता तो 3 का स्क्वायर 9, 1 रहता तो 1 का स्क्वायर 1, 5 रहता 5 का स्क्वायर 25, पहले हम लिख लेंगे। एक पार्ट में 4 गो एक रंग से रंगा होगा, होता है घन में 6 तरह का पार्ट होता है, 6 फलक होते हैं, बस 6 से इसमें गुणा कर दो इक्वल टू 24, तो ये एक फलक वाला हो जाएगा जिसका एक पार्ट रंगा होगा। 89 के बाद 90, ऐसे कितने फलक है जिनके किसी भी सतह पर रंग नहीं लगे हुए। इसका सूत्र होता है n-2 का होल क्यूब, n मतलब जितने पार्ट में तोड़े हो, 2 2 4 4 लिख दो, 2 कर दो, इसका क्यूब कर दो, 4 में 2 गया 2 इक्वल टू 2 का क्यूब 8, बस ये इसका कोई भी सतह नहीं रंगा होगा, 8 ब्लॉक जो होगा जिसका कोई सतह नहीं रंगा होगा। 91 नंबर सवाल बोलता है कि ऐसे कितने सतह हैं जिनके कम से कम एक फलक रंगे होंगे। तो कम से कम एक फलक मतलब एक फलक वाला भी होगा, दो फलक भी होगा, तीन फलक भी होगा, तो सभी को जोड़ दीजिए, बस आपका आंसर हो जाएगा कम से कम एक फलक। तो तीनों फलक वाला का गो 8 गो, दो फलक वाला का गो निकालें 24 गो, फिर एक फलक वाला कितना 24 गो, बस इसको जोड़ दो, ये कम से कम एक फलक वाला होगा 56। अगला 92 है, प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, बी नंबर आंसर है n(n+1)/2 का होल स्क्वायर। प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत, इसका आंसर होगा सी नंबर कर दिए। 91 तक में कितने विषम संख्या होते हैं, तो विषम और सम करने के लिए सिर्फ इसका आधा होता है, लेकिन 91 का आधा नहीं होता है, तो 90 का आधा होता है, 90 का आधा कर दो, तो विषम और सम 90 का आधा कितना 45। तो 90 तक हम गए हैं, 91 एक छोड़े हैं, तो 91 छोड़े हैं, तो एक विषम संख्या यह है, तो विषम में एक जोड़ दो, 46 को विषम 45 को सम, बस ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रथम 50 सम संख्या का औसत क्या होगा। तो सम संख्या का औसत n+1 होता है, तो 50 50+1=51, यही आंसर हो गया।